आज हम जा रहे हैं डेकन यूनिवर्सिटी जो बर्वुड कैंपस है मेलबर्न में, उसका कैंपस टूर करने। Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. This is your host Muneeb. हम आपको दिखाएंगे Deakin University Melbourne का Burwood campus, उसका walking tour करवाएंगे। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा different buildings, Deakin University की different departments, cafeteria कहाँ कहाँ पे हैं। उसके अलावा आपको दिखाएंगे on site, on campus parking, free और paid दोनों किस्म की, और mosque की position आपको बताएंगे, the most important for the people who pay. And let's start the vlog then. ये डीकन यूनिवर्सिटी के गेट 2 के सामने बिल्कुल ट्रैम स्टॉप है। ट्रैम का जो रूट है ये 75 है और ट्रैम का जो स्टॉप है वो 63 है। ये ट्रैम मेलबर्न सीबीडी से फ्लिंडर स्ट्रीट से होती हुई डीकन यूनिवर्सिटी पहुंचती है। इसके अलावा आप बस पे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सामने डीकन के बस स्टॉप भी। ट्रैम का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। ट्रैम के हर स्टॉप पे आपको इस तरह का एक स्केड्यूल मिल जाएगा जिसपे डे वाइज इस स्टॉप पे कब ट्रैम आके रुकेगी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ले जी, ये आ गई है ट्रैम और ये अब हम खड़े हैं डीकन के गेट 2 के सामने। यहाँ से अब मैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ज़रिए से वॉक करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा गेट 2 के ज़रिए से। डीकन के कैंपसेस में पैट्स अलाउड नहीं है, इसके अलावा स्केटबोर्डिंग भी अलाउड नहीं है। जो लोग गाड़ी में आएंगे उन्हें ध्यान रखना है कि अगर आप गेट 2 से एंटर होते हैं तो ये यहाँ पे शेयर्ड जोन है जिसपे आपकी स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डीकन के गेट 1 से एंटर होंगे जो कि मेन पार्किंग की तरफ ग्राउंड की तरफ जाता है, वहाँ पे स्पीड जोन थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा, 20 और 30 किलोमीटर की स्पीड है वहाँ पे। अच्छा, ये कैंपस में एंटर होते ही राइट साइड पे हमारे एक बिल्डिंग है डीकन का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप बिल्डिंग, जिसमें डीकन के जो मेंटेनेंस वगैरह की और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है वो ये हैंडल करते हैं। इसके साथ ही डीकन में एक छोटा सा चाइल्ड केयर और एजुकेशन सेंटर है जिसमें डीकन के एम्प्लॉयज के अलावा बाहर से भी चिल्ड्रन इनरोल होकर स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारी पहली बिल्डिंग की तरफ, डीकन की बिल्डिंग BC की तरफ। बिल्डिंग BC जो है वो डीकन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मल्टी फंक्शन बिल्डिंग है जिसमें हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री की मीटिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग BC के अंदर ही जो हमारा यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैफ़े मौजूद है। ये बिल्डिंग BC के बाहर एक छोटा सा ओपन एयर एरिया है। अगर आप अपनी वेदर को इंजॉय करना चाहते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन करना चाहते हैं बाहर ओपन एयर में तो आप यहाँ पर आ कर सकते हैं। ये जी बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग BC का, और ये एक रेस प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरे एक कैंपस का बहुत ही प्यारा व्यू देख सकते हैं। ये बिल्डिंग BC के बाहर ये एक फ्रेश वाटर वाटर टैप है जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। जो लोग बॉटल कैरी नहीं करते या आप इसको रिफिल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये, एक आपको रैंप नज़र आ रहा होगा जो कि बिल्डिंग BC की पार्किंग से होता हुआ ऊपर आ रहा है। ये डिसेबल लोगों के लिए है। डेवलप कंट्रीज़ में जो डिसेबल लोग होते हैं उनको स्पेशल एक कंसिडरेशन और इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम चलते हैं कैंपस के नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ और जहाँ पे मेन कैंपस को देखते हैं। ये हमारे सामने बिल्डिंग F है जो कि आर्ट्स एंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उनके वहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी हैं। अच्छा, डीकन यूनिवर्सिटी को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है और आपको बहुत क्लियर गाइडेंस मिलती है जोन्स के लिहाज से जिस बिल्डिंग में जाना है। बस आपको बिल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए और आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे। चलिए जी, अब हम मॉर्गन वॉक से चलते हुए जो कैंपस की मेन साइड की तरफ चलते। अच्छा जी, मॉर्गन वॉक शुरू होते ही फर्स्ट राइट में आपको बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग दिखाते हैं, बिल्डिंग C, या इसे अल्फ्रेड डीकन बिल्डिंग भी कहते हैं। बिल्डिंग C के अंदर आर्ट्स, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के डिपार्टमेंट्स और इनके ऑफिसेज वगैरह हैं। छोटा सा एक आपको सिक्योरिटी का ऑफिस भी मिलेगा यहाँ पे।
और बिल्डिंग सी जो है वो एक ब्रिज के जरिए बिल्डिंग एफ के साथ कनेक्टेड है और एफ के साथ ही बिल्डिंग ई और डी भी हैं। बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये सारा आपका आर्ट्स एंड एजुकेशन और डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रखता है। दिस इज राइट टू द बिल्डिंग, से आपको पता चल जाता है कि बिल्डिंग के किस लेवल पे आपको कौन से ऑफिसेज वगैरह या क्या चीज मिलेगी। ये है जी डीकेएन यूनिवर्सिटी का वर्ल्डली क्यू, द आइकॉन ऑफ डीकेएन यूनिवर्सिटी। अच्छा जी आप मेरे साथ घूमे और डीकेएन यूनिवर्सिटी का वर्ल्डली क्यू जो है वो मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव इंटीरियर फुटेज। चलिए मॉर्गन वॉक में अगर आप डीकेएन वर्ल्डली क्यू से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दो बिल्डिंग्स हैं, दो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। राइट साइड पे हमारे हैं बिल्डिंग ए जो कि डूसा की बिल्डिंग है और इसमें आपको इसके अलावा लेक्चर्स, लेक्चर थिएटर्स और लेक्चर क्लासरूम्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा अगर आप पीछे देखें वो जो बिल्डिंग छोटी सी नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये स्मॉल एज बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग ए के बिल्कुल ऑपोजिट बिल्डिंग एम है जिसके अंदर हमारा पुराना स्टूडेंट सेंटर है। मेन स्टूडेंट सेंटर जो है वो बिल्डिंग एच के अंदर है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप न्यू स्टूडेंट आता है तो चूँकि मॉर्गन वॉक पे है तो यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्डिंग एम का जो इंटीरियर है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा डीकेएन की जो लॉ स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत खूबसूरत है अंदर से। इसकी जो रूफ है वो ग्लास रूफ है अंदर लाइट और इल्यूमिनेशन के लिए। बिल्डिंग एम के अंदर अगेन स्टूडेंट सेंटर के अलावा क्लास रूम्स वगैरह भी हैं और बायोलॉजिकल साइंसेज और जूलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे लैब्स वगैरह हैं। ये हम बिल्डिंग एम के सेकंड फ्लोर पे आपको दिखाते हैं, एक राइट साइड पे हमारे लैब है, इसमें आपको डिफरेंट स्केलेटन वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये बाहर कुछ बटरफ्लाइज के मॉडल्स पड़े हुए हैं, प्रिजर्व्ड मॉडल्स, और इसके अलावा द लेडीज फेवरेट कॉकरोच के मॉडल्स। अच्छा जब हम चलते हैं डीकेएन लाइब्रेरी की तरफ बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी के सामने बिल्कुल बिल्डिंग एक्स है जिसके अंदर अगेन क्लासरूम्स वगैरह हैं। डीकेएन की जो लाइब्रेरी है उसकी टाइमिंग मोस्टली 7 और 8 एम टू 9 पीएम तक होती है और जो एग्जाम्स के पीरियड में ये 24/7 होती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्रिपरेशन। डीकेएन की लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशियस है, ये चेस लवर्स के लिए अगर चेस खेलना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो डीकेएन के स्टूडेंट हैं वो बैठ के पढ़ सकते हैं, बुक्स बोरो कर सकते हैं, केबन्स और डिफरेंट जो हैं क्लासरूम्स वगैरह वो इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं। और डीकेएन के जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठ के रीडिंग वगैरह कर सकते हैं लेकिन बुक्स बोरो नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। डीकेएन लाइब्रेरी कंटेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हर फील्ड से रिलेटेड। चलते हैं डीकेएन की लाइब्रेरी के लेवल टू पे। डीकेएन लाइब्रेरी इज ऑल क्वाइट रूम, यू शुडंट स्पीक व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी। डीकेएन की लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने एक कॉर्नर कैफ़े है, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा कैफ़े। ये हमारा सेकंड कैफ़े है, पहला हमने आपको बिल्डिंग बीसी के अंदर दिखाया था। ये बिल्डिंग पी है सामने, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि इस बिल्डिंग पी के अंदर क्या चीज़ है। ये जी हमारे सामने है बिल्डिंग एफ ए
which is a small building but very important. ये डीकन की आर्ट गैलरी की बिल्डिंग है जिसके अंदर डीकन के डिफरेंट जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, डांस सोसाइटीज़, म्यूजिक सोसाइटीज़ वगैरह एक्टिव होती हैं यहाँ पे. अच्छा जी, आर्ट गैलरी के साथ ही ये आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है. अगर आप गेट वन से आते हैं तो ये पार्किंग को रास्ता जाता है और इसके अलावा बस स्टॉप डीकन का भी इसी के अंदर है, यहाँ पे बस रुकती है. एच बिल्डिंग है, एच एफ एच ई बिल्डिंग, ये तीनों दो तीन बिल्डिंग एच जो हैं वो एसोसिएटेड हैं. एच एफ बिल्डिंग के अंदर हमारा जो मेन स्टूडेंट सेंटर है वो एच एफ बिल्डिंग के अंदर है. एच एफ बिल्डिंग में एंटर होते ही हमारी जो राइट साइड पे है एक बेंडिगो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना. और अगर हम फर्दर राइट पे चलें तो डीकन का ये जिमनेजियम है, छोटा सा इंडोर कोर्ट. इस कोर्ट को आप बुक करके यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं. काफ़ी स्पेशियस ये बिल्डिंग है और अगर ओरिएंटेशन वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं वो इसी बिल्डिंग एच ई के अंदर होते हैं. यहाँ पे सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है. आपने क्लासेस के बाद अगर कोई डिस्कशन वगैरह करनी है, इवन के लंच वगैरह करना है, उसके लिए आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं. और उसके अलावा जो मेन थिंग है हमारा स्टूडेंट सेंट्रल आपको दिखाते हैं. स्टूडेंट सेंट्रल, इंफॉर्मेशन डेस्क. सेंट्रल के अंदर आप अपना आईडी कार्ड जो यूनिवर्सिटी का है वो बनवाते हैं. ओरिएंटेशन डे वाले दिन आप यहाँ पे आके अपनी इनरोलमेंट तो नहीं, खैर आपको इनरोलमेंट के अलावा, सब्जेक्ट चेंज के अलावा कोई भी मुश्किल होती है वो आप इस जगह पे आके डिस्कस कर सकते हैं. और जो आईटी रिलेटेड आपका कोई इशू होता है वो भी आप यहाँ पे आके, एक आईटी का छोटा डिवीजन है, और डिस्कस कर सकते हैं इनके साथ. वो बिल्डिंग एच सी कनेक्टेड है इसके साथ. और ये हमारा कैफीन कैफ़े है इसके अंदर, जो कि हमारा थर्ड कैफ़े अभी तक जो हमने देखा. और ये हमारी बिल्डिंग एच डी. अच्छा जी, ये हमारा सेज रेस्टोरेंट और सेज कैफ़े, ये चौथा कैफ़े है हमारा डीकन का. और अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे जो वर्सटाइल कैफ़े है वो एक, अगर आप बताऊँ तो ये सेज है, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर चीज़ मिलेगी. इसके अलावा फास्ट फूड मिलेगा, इटालियन मिलेगा और इंडियन मेन्यू भी है यहाँ पे, इंडियन सेक्शन. तो इसमें पॉसिबली हर चीज़ आपको, हर फ्लेवर मिल सकता है. अच्छा, ये बर्वुड लिंक ब्रिज है जो कि डीकन यूनिवर्सिटी के जो दो कैंपस साइड्स हैं, एक बर्वुड वाली साइड और जो सेकेंड वन है वो एल्गर रोड वाला पार्ट, उनको कनेक्ट करता है. ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग एल सी और एल ए एंड एल बी हैं, इनके नाम ऐसा मुझे कंफ्यूजिंग लगते हैं. बिल्डिंग एल सी के अंदर बेसिकली जो हमारा डीकन एक्टिव स्टूडेंट हेल्थ सेंटर और ये डीकन लॉ स्कूल बिल्डिंग है बेसिकली, इनके अंदर दो चीज़ें हैं. जो सामने वाली बिल्डिंग है वो डीकन का बिजनेस स्कूल डीकन ए, एंड द लेफ्ट वन बिल्डिंग दैट्स ऑल्सो द बिजनेस स्कूल. इनके अंदर आपको डिफरेंट की क्लासेस वगैरह हैं, इनके लेक्चर थिएटर्स और ऑफिस वगैरह हैं. अच्छा जी, लिंक ब्रिज के नीचे एक बहुत ही प्यारी वॉकिंग ट्रेल है जिसे हम गार्डनर्स क्रीक कहते हैं, जहाँ पे आप अपने डॉग के साथ, अपने पार्टनर के साथ अक्सर लोग वॉक कर रहे होते हैं. अच्छा जी, ये डीकन यूनिवर्सिटी के एल्गर रोड वाले पार्ट की तरफ फर्स्ट पार्किंग है, ये पेड है. मोस्ट ऑफ द पार्किंग्स जो कि डीकन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो पेड हैं. इसमें आप फर्स्ट टाइम पार्किंग करते हैं तो आपको वार्निंग मिलेगी और सेकंड टाइम पे और आपको अच्छा सा एक चलान आएगा. आपको पार्किंग परमिट परचेस करना पड़ता है जिसकी एक ट्राइमेस्टर के लिए या फोर मंथ्स के लिए जो कॉस्ट या प्राइस है वो $220 है. अच्छा जी, अब हम आपको लेके चलते हैं बिल्डिंग एल सी की तरफ. ये बिल्डिंग एल सी का जो फैकेट है वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगता है. बिल्डिंग एल सी डीकन लॉ स्कूल.
बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग एम की तरह जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो की है। ईएलसी की बेसमेंट में बहुत ही प्यारी स्टेज के साथ टीकन का जो जिम है, यहाँ पे डूसा मेंबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इसके अंदर एक और कैफेटेरिया, हमारी जो मेन बिल्डिंग्स हैं सबके अंदर एक एक कैफेटेरिया मौजूद है। ये बहुत ही प्यारा एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, सिटिंग एरिया, जिसमें आप आफ्टर योर क्लासेस और स्टडीज डिस्कशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। डीकन लॉ स्कूल बिल्डिंग इज वेरी एलिगेंट एज यू कैन सी इन द सिटिंग एरियाज। फाइनली एलसी के अंदर हमारा डीकन का हेल्थ सेंटर है, जिसमें आप अपनी COVID-19 की वैक्सीन वगैरह जिसे करवाते हैं, बूस्टर शॉट्स और इसके अलावा फ्लू शॉट्स वगैरह लगवाते हैं। पहले तो राइट साइड पे हमारा जोन 6 शुरू होता है। जोन 6 में सबसे पहले पार्किंग, सबसे लार्जेस्ट पार्किंग है इसकी, और इसके अलावा ये जो आपको रेड बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है डीकन की स्टूडेंट रेजिडेंसीज हैं। ये जी डीकन यूनिवर्सिटी की बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग्स हैं LA and LB। फाइनल हमारा जो कैफेटेरिया है नंबर 5 और नंबर 6 आई गेस इज हियर, दिस वन द फ्यूजन कैफे, ईस्ट मीट्स वेस्ट। इसमें आपको दोनों तरह के खाने मिल जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो यहाँ का जो चिकन है वो हलाल सर्टिफाइड होता है। ये डीकन की बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्डिंग LA एंड जस्ट ऑपोजिट टू दैट इज बिल्डिंग LB विच इज द डीकन बिजनेस स्कूल। सो इफ यू वॉक पास डीकन बिजनेस स्कूल एंड फ्यूजन कैफे, एट द बैक साइड ऑफ देयर वी हैव बिल्डिंग EC, एक छोटी सी बिल्डिंग है जो कि फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड लॉ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कॉमन रूम है, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए। हियर कम्स द फाइनल एंड द लास्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग EC, जिसके अंदर मॉस्क है, हमारी प्रेयर रूम। इस बिल्डिंग के अंदर मेल और फीमेल प्रेयर रूम है दोनों, हमारी जो लेफ्ट साइड पे है वो फीमेल और राइट साइड पे जो है मेल प्रेयर रूम है। सिस्टर्स एंट्रेंस ओनली। ये बिल्डिंग एसी से हम जब बाहर निकले तो हमें सामने आपको ये एल्गर रोड नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ट्रैफिक चलती नज़र आ रही है। यहाँ पे आगे जाके बेसिकली हमारी सेकेंड थर्ड जो एंट्रेंस है वो डीकन यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी, अब हम वॉक करते हुए डीकन यूनिवर्सिटी के जो एल्गर रोड वाली पार्ट से वॉक करते हुए नीचे जाएंगे, गार्डनर क्रीक्स को क्रॉस करेंगे और फिर बर्डवुड वाली साइड पे जाएंगे। हम यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन चूंकि हम देसी हैं हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा जी, हम गार्डनर क्रीक से होते हुए जाएंगे मेन कैंपस की तरफ, बर्डवुड वाली साइड की तरफ। मेन कैंपस निकल रहा है बार बार मेरे मुंह से, बेसिकली मेन कैंपस नहीं है ये, मैं बर्डवुड वाली साइड कह रहा हूँ। ये है जी गार्डनर्स क्रीक ट्रेल। ये अब हम आ चुके हैं डीकन के ग्राउंड में। ये है डीकन यूनिवर्सिटी का क्रिकेट क्लब और साथ में आपको प्रैक्टिस करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये डीकन यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है ये क्रिकेट के मैचेस के लिए भी, क्लब मैचेस के लिए भी यूज़ होता है, और उसके अलावा जो विंटर में फुटी के मैचेस के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। अच्छा, ये डीकन यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस 1 है
जहाँ से आप एंटर होकर अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, ग्राउंड को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने मेन पार्किंग की तरफ जाना है तो उस बेस के नीचे आप पार्किंग की तरफ जाते हैं। ऐसे ही डीकन की एंट्रेंस वन के साथ पार्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट ये एक बहुत ही एस्थेटिकली प्लेजेंट और अमेजिंग बिल्डिंग जो कि डीकन स्पोर्ट्स साइंस एंड एजुकेशन की बिल्डिंग है। डीकन का जो स्पोर्ट्स साइंस का डिपार्टमेंट है वो नंबर वन है पूरे ऑस्ट्रेलिया में और वर्ल्ड में ड्यू टू द कटिंग एज एंड वेरी ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च हियर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पोर्ट्स साइंस में और स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, जिसकी एक बेसिक जो वजह है कि वो इनके इंस्टीट्यूशंस में और मैनेजमेंट लेवल पे बहुत ही अच्छी एक सिस्टम पाया जाता है।